जेन फ्रेंड दो नंबर की स्थिति स्वागत। अच्छा देखिए वीडियो में काटे नहीं, वीडियो में काटने तक हम पहुंच चुके हैं। अगर आपको अगर पहले वीडियो ये देखेंगे तो वीडियो में जाकर आप देख लीजिए इसको, आप इजीली आप समझ जाएंगे। तो देखिए आज का वीडियो जो है रिलेटेड नहीं है पहले का है, अभी तो देखिए हम दिखाओ कौन दिन रात मास पूरे में कैसे कहते हैं क्या कहते हैं, तो मैं आपको पूरा सिंपली समझा दूंगा। आप देखिए करके देखिए जैसा देखिए ये बोल रहे हैं तारुटी दिगो परी तारुटी कौन अभी अच्छी जैसे ही बोल रहा है। देखिए जैसे कि चार फोर डायरेक्शन है, देखिए ये नॉर्थ है, साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट है, ये ई है। देखिए ये कह रहा है ये जो आपको चार डायरेक्शन दिख रहा है इसके बीच में भी और चार डायरेक्शन है पता है और चार भी एक साइड है बोल रहा है। जैसा देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो देखिए ये बोल रहा है अग्नि कोण, जैसे कि देखिए नॉर्थ का मतलब दिखा रहा है, ये बोल रहा है ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो जैसे आपको इंग्लिश में पता चुका है तो मैं इसको उड़िया का मैं इसका मतलब आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखो इसको पूर्व कहते हैं, पूर्व मतलब ईस्ट है, पश्चिम देखिए पश्चिम हम वेस्ट बोलते हैं इसको। देखिए हम दक्षिण को साउथ कहते हैं, उत्तर को देखिए हम नॉर्थ कहते हैं। देखिए अग्नि कोण को हम कहते हैं देखिए पूर्व और दक्षिण का दिगो मझे दिवा कोण, देखिए पूर्व कौन सा है ये है ईस्ट, दक्षिण कौन सा है साउथ है। तो इस गुण को ये बोल रहा है अग्नि कोण कहते हैं, जैसे हम इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या साउथ ईस्ट, इसको इसको उड़िया में क्या कहते हैं अग्नि कोण। ईशान्य कोण क्या है देखिए, और ईशान्य कोण को किसको कहते हैं उत्तर और पूर्व की दिखे बीच में, जैसे देखिए उत्तर कौन सा है उत्तर और पूर्व, देखिए पूर्व कौन सा है उत्तर तो नॉर्थ है, ईस्ट है, ईस्ट कौन सा है पूर्व, इसको नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या कहता है ईशान्य कोण नॉर्थ ईस्ट को। देखिए इसके बाद देखिए नॉर्थ कोण किसको कहते हैं पश्चिम और दक्षिण दिगरे मझे थोड़ा कोण, जैसा कि पश्चिम और दक्षिण देखिए साउथ और वेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं निरतक कोण, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं साउथ वेस्ट। देखिए वायु कोण किसको कहते हैं देखिए पश्चिम और उत्तर दिगरे थोड़ा मझे थोड़ा कोण, पश्चिम और उत्तर देखिए उत्तर कौन सा नॉर्थ है, पश्चिम कौन सा वेस्ट है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्या कहते हैं वायु कोण। तो देखिए आई होप आपको ये समझ में आएगा जो डायरेक्शन के बीच में जो दिगो और कोणों के बारे में, जैसा मैं आपको और बार समझा दूँ चलिए जल्दी जल्दी। अग्नि कोण देख लीजिए आप पूर्व दक्षिण, पूर्व देखिए साउथ ईस्ट कह रहा है, उसके बाद देखिए ईशान्य कोण उत्तर और पूर्व को जैसे नॉर्थ ईस्ट कह रहा है, इसके बाद देखिए तृतीयता कोण पश्चिम और दक्षिण को जैसे साउथ वेस्ट कह रहा है, और देखिए वायु कोण जैसे नॉर्थ वेस्ट को कह रहा है। तो चलिए आप मन के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए दिनों दिनों मतलब दिन को बोल रहा है, राति मतलब रात को बोल रहा है, मासो मतलब महीना, वर्षों मतलब साल। देखिए दिन और राति में से 24 घंटा देखिए एक दिन में जो दिन रात मिलकर मिलते 24 आवर का होता रहता है, 24 घंटा का रहता है। देखिए दिनों में 12 घंटा, दिन में 12 घंटे रहता है, रात को 12 घंटा रहता है। देखा 7 दिन होता है एक सप्ताह, एक सप्ताह को 7 दिन कहते हैं। देखिए एक पक्ष 15 दिन, तो एक पक्ष जो बोलते हैं आधा महीना जो कहते हैं हम उसको 15 दिन कहते हैं। पक्ष मतलब देखिए भाग और विभक्त, जैसे कि हम देखिए यहाँ पे 30 करेंगे, अगर यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे विभक्त मतलब डिवाइड है दो में करेंगे तो इसमें 15 निकलेगा। देखिए पश्चिम 15 दिन ठारू अमावस्या पर्यंत उष्ण पक्ष, अमावस्या पर ठारू पूर्णिमा पर्यंत शुक्ल पक्ष। देखिए पश्चिम जो पश्चिम में है जो अमावस्या तक और अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से लेके अमावस्या कृष्ण पक्ष एंड अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्र पक्ष। देखिए एक वर्ष में देखिए कितना होता है 365 दिन होता है, 12 मास में देखिए एक साल होता है, ये सब आपको याद रखना है। देखिए प्रणांश क्रिया ठारू ओडिया वर्ष आरंभ हुए, इंग्रेजी मास जनवरी 1 तारीख आरंभ हुए। देखिए प्रणांश क्रिया ठारू जो ओडिया का जो पहला है पहला मास स्टार्ट होता है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए
उड़ीसा रे मासर नाम पहला मास देखिए बैसाख जैसे जनवरी, और हिंदी में जो मास का नाम क्या देखिए बैसाखी कहा जाता है। ज्येष्ठ को देखिए फेब्रुवारी कहा जाता है, ज्येष्ठ कहा जाता है हिंदी में। देखिए पहले उड़िया इंग्लिश फिर हिंदी में बता रहा हूँ आपको। अषाढ़ को देखिए मार्च कहा जाता है, अषाढ़ी कहा जाता है। श्रावण को देखिए अप्रैल सावन कहा जाता है हिंदी में। भाद्रव को देखिए मई कहा जाता है, भाद्रव भी कहा जाता है हिंदी में। अश्विन को देखिए जून कहा जाता है, कुंवर कहा जाता है। कार्तिक को देखिए जुलाई कहा जाता है, कार्तिक कहा जाता है। मगसिर कहा जाता है देखिए अगस्त को, एंड हिंदी में देखिए मगसिर ही कहा जाता है। पूस को देखिए सितंबर मास कहा जाता है, पूस कहा जाता है। माघ को देखिए अक्टूबर कहा जाता है, माघ ही कहा जाता है। फागुन को देखिए नवंबर कहा जाता है, फागुन बोला जाता है हिंदी में। एंड चैत को देखिए दिसंबर कहा जाता है, चैत ही कहा जाता है। जैसा आपको पता होना चाहिए देखिए 30 दिनिया मास जैसा जैसा 30 दिन होता है महीना में, जैसे अप्रैल होता है, जून सेप्टेम्बर नवंबर में होता है, 31 दिन मास जो 31 दिन होता है महीना में, जैसा कि जनवरी मार्च में जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर में होता है। 28 दिन मास देखिए जैसा कि फरवरी में होता है, 28 दिन होता है। 29 दिन मास देखिए प्रति चारोटी वर्ष में थोड़ी फरवरी मास 29 दिन हो, जैसा कि देखिए हर एक लीप ईयर में 4 साल के बाद 29 दिन होता है, मतलब फरवरी में 29 दिन होता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम, अगले वीडियो में पढ़ेंगे वार्षिक और छह ऋतु भागों को आइए ऋतु हिसाब से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो मिलेंगे, आप इसको पढ़िएगा बार बार रिवाइज करिएगा। जय हिंद।